ना भाभो, मुझे मुझे तो वही मेरी खारी बोलने वाली भाभो ही चाहिए, जो डांटती थी तो उसके डांट में इतना प्यार होता था कि सिर्फ डांट खाने के लिए गलती करने का मन करे। भाभो वो डांट वो प्यार मत छीन मुझसे। अरे मारा छोरा, ने पहली बार अपनी माँ से बात छुपाई तब मैंने तो ना कहा कि मारो कुंसो वालो सूरज आ गयो है, ये तो मारो सूरज ना है। अरे पराये बनाने की शुरुआत तो आप ही ने की है ना, आपने जो किया जो आपने सही लगा। अरे मारा छोरा, इतना हक तो माने भी दे दे कि मैं वो करूं जो माने सही लगे। नींद आ रही है रे बेटा, बीनी सा जाओ, आप भी जाकर कमरे में आराम करो। एक काम करो, बीनने भी ले जाओ आपके। जा छोरा जा, सोने दे मन। ए मारा राम जी, सूरज जा बेटा सो जा, रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ तुम दोनों। रे मैं इन्हें संध्या जी क्यों बोल रही हूँ, सूरज जी की बेननी मालकिन। हाँ मालकिन का सामान वापिस अपने कमरे में रख दे। हाँ जी सुरा हो गया रे मारा सरवन बेटो, आज कर फो रहे हो मने माँ बनने पर। गलत कह रहे हैं लोग कि ब्याह के बाद बेटियां पराई हो जावे ना, साची बात तो यह है कि ब्याह के बाद बेटियों से ज्यादा बेटू पर आए हो जावे। भाभो मैंने मैंने तेरा ये रूप पहले कभी नहीं देखा, मेरी भाभो तो ऐसी है ही नहीं। ने पहली बार अपनी माँ से बात छुपाई तब मैंने तो ना कहा कि मारो कुंसो वालो सूरज आ गयो है, ये तो मारो सूरज ना है। आपने जो किया जो आपने सही लगा। रे मारा छोरा, इतना हक तो माने भी दे दे कि मैं वो करूं जो माने सही लगे। रे पराये बनाने की शुरुआत तो आप ही ने की है ना,
मेरी वजह से ही बाबू और सूरज जी के बीच में ये सब हुआ है। ये दूरियां मुझे ही खत्म करनी होंगी। बाबा साहब गरम गरम चाय। हाँ? नहीं चतुरी, मन नहीं कर रहा है। बाबा साहब लीजिए ना चाय। अरे आप चाय नहीं पी रहे हो? रे चाय पिए बिना आपके शरीर की मशीनी ना हिलेगी। पी लो चतुरी, दे रहे इन्हें चाय। रे चतुरी, हम सबकी चाय कटे हैं। हमने कुंड से लोग मारकर आंगन में गाड़ रखे हैं। जा, जाकर हम सबके लिए भी चाय लेकर आ जल्दी। बाबू चाय। बीनी जा, जाकर हल्दी और घी गरम करके ला। करके रखिए, मैं अभी घी हल्दी लेके आती हूँ। हाँ हिलिए मत, मेरे
राम जी। लगा दो ना इनको, आपके हाथ से कम जलेगा ना सूरज सा को। बीन लिसा के हाथ से भी ना चलेगा। बहुत गर्म है चतुरी, मुझसे नहीं होगा। लेकिन भाभी, हल्दी तो गरम गरम ही लगानी पड़े है, गरम गरम ही घाव पर असर करता है। नहीं चतुरी, इतना गरम कहाँ लगा पाऊंगी मैं, नहीं लगा पाऊंगी। अरे चतुरी, एक कप चाय देना मुझे। मोहित सा, मोहित जी भी? वो तेरे कॉलेज की फीस भरने का टाइम हो गया ना, ये ले। कमाल है भैया, आपको याद था, मैं तो भूल ही गया था। सच्ची भैया, आप बहुत केयरिंग हो और प्यार इसे ही कहते हैं। ये चतुरी, रहने दे, चाय नहीं पीनी मुझे। मोहित, पैसे लेके अठिया। जी बापू। ले दे। भाबो, ये मैं कैसे, ये तो मोहित के कॉलेज की फीस है ना, मैं क्या करूं इसका। ना बेन, ये उसकी फीस का पैसा ना है, आपके पति की मेहनत की कमाई है, जिन पर पहला हक आपका हो है, हमने तो ऐसे ही सुना है। आप पढ़ी लिखी हो, चौदहवीं पास,
कानून के बारे में भी जानकारी रखो। आपने तो पता ही होगा कि कानून के हिसाब से पति की कमाई पर पत्नी को ही पहलो हक होवे। रे मारे सूरज तो गैलो है, हर एक को बस चाले तो अपने हाथ में पीसा ले हाथ उल्टा कर दे। पर तू तो समझदार है, ध्यान रखना पीसा का, बेकार में यहां वहां खर्चा ना करे सूरज। बाबू पर बाबू मोहित मेरा भाई है। अरे बेटा पैसे ना देने से के ये रिश्ता खत्म हो जावे? अरे अगर इतना ही कच्चा रिश्ता हुए तो उसे रिश्ता कहना ही क्यों? जरूरत का संबंध कहना चाहे। अब देख थारे बाबूसा ने आज तक घर का खर्च ना दिया तो कि आप लोग उनके ना हो, ये घर उनका ना है। बहुत कुछ कर लिया तूने इस घर के लिए, अब अपने घर परिवार के लिए भी जोड़ना शुरू कर दे। बीननी सा की भी कुछ जरूरतें होगी, काल के दिन अगर कह दिया कि सुनो जी मारे लिए सोने की चेन घड़ा दो है, अरे अगर धन जोड़ा हुआ होगा तभी तो चेन बड़ा पावेगा ना। नहीं तो के माँ के गले से चेन उतरवाएगा के? इसलिए बोल रही हूँ रहने दे बेटा। अरे बाकी सबने भी तो संभालने दे थोड़ा। विक्रम। हाँ बाबा वो दे दूंगा ना पैसे मैं। अरे विक्रम अपने घुटनों के नीचे सांप मसलना बंद कर दे। अरे मैं थारे से पीसा ना मांग रही हूँ, तू थारी कमाई मीना बीननी के पल्लू से ही बांध दिए। रे माँ बाप ने के चाहे, बेटा बढ़िया कमावे सुख शांति से रहे, अपनी अपनी लुगाए ने सुखी रखो। पर बाबू तू चिंता ना कर बेटा, हरी इतना तो जोड़ी रखा है कि घर खर्च से लेकर मारी चिता की लकड़ियां खरीदने तक के लिए काफी होगा। और फिर ये दुकान ये घर बार ये सब थारे बाबूसा का तो है। समझ ले आज तक जितना पैसा तूने घर में दिया वो दुकान का किराया या भाड़ा था। पर बाबू अरे राम जी बाबू ऐसे भी कोई कोई बोलता है क्या? बाबू घर का पैसा है। रे सूरज तू भूल रहा है तुम्हारे शरीर को अंश है, अरे तने हमारे शरीर से ही निकाल कर फेंका है। बेटा मने समझाने की कोशिश मना कर, अरे क्यों जबरदस्ती घर में राड़ खड़ी करे है? तुम धनी लुगाई सुखी रहो, चौपड़ खेलो सिनेमा देखो, अरे हम आपस में मस्त था देख भाई, आज नहीं तो कल किसी ना किसी बात पर बहुए के पेट में मरोड़ आवेगी, फिर बोलेगी के देखो जी हम थे तो घर चाला वरना कब का झाड़ू से निकल गया होता। ऐसी बात सुनने से तो अच्छा है कि झगड़े और घमंड ने जगह ही ना दो। अरे आप की खाओ और आप आपके पेट पर हाथ घुमाओ। देख बेटा नया जमाना है, बउआ की चाले है, रे चालन दे जैसा मैंने कहा है वैसा कर। रे किसी ना किसी दिन कोई बीननी ने कह दियो ना तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा सबने। मीना बीननी जी बाबू तने भी घर के काम की चिंता करने की जरूरत ना है, जितनी देर चाहे दुकान पर बैठ जाए। नहीं नहीं बाबू आप कैसी बातें कर रही है, क्या मैं आपको काम करने दूंगी? अरे तू मुंह लटकाए क्यों खड़े हो है? चला मैं तने फीस का पैसा दियो। आ आपके
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।